हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज राय, आप देख रहे हैं नीरज राय ब्लॉग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज राय ब्लॉग में। और आज हम लोग फिर से एक बार नौगछिया जीरो माइल में उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कांवड़िया लोग यहाँ पर जो है यहाँ भागलपुर महादेवपुर घाट से जो है जल उठा करके और बाबा सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा के तरफ जो है जा रहे हैं। और यहाँ से जो है लगभग 80 किलोमीटर का दूरी जो है ये हम लोग यहाँ से तय करते हैं पैदल यात्रा से। और रास्ते में जो है यहाँ पर नौगछिया जीरो माइल में सेवा का जो व्यवस्था किया गया है आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ से जो है गुजरते हुए बम को देखेंगे किस प्रकार से जो है सारे लोग यहाँ से जल भर करके जो है भागलपुर से मधेपुरा की तरफ जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पर बम लोग जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और जो है यहाँ से भागलपुर से जल उठा करके सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। नौगछिया जीरो माइल से जो है चारों तरफ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बोलबम का है जो है चारों तरफ जो है नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से जो है हर जगह के लिए जो है बम लोग निकलते हैं, यहाँ से देवघर के लिए निकलते हैं, सुल्तानगंज के लिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल पे जो है सारे बम लोग तैयार होकर के जो है देवघर की तरफ शायद निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इन लोग और ये सारे बम लोग जो है यहाँ से बासुकीनाथ देवघर और जहाँ भी शिमला शिवालय है शिव मंदिर है वहाँ के लिए निकलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो है आपको बोलबम का ही नज़ारा जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला बम लोग जो है यहाँ से किस प्रकार से जो है गुजर रहे हैं सारे महिला बम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेवा का व्यवस्था किया गया है और जल्द से जो है यहाँ पर सेवा किया जाता है सारे बम का। सेवा में किस प्रकार से जो है लीन है सारे जो है मस्ती में जो है यहाँ पर बंदों का सेवा यहाँ पर करते हुए। हर सोमवार के भांति जो है इस सोमवार को भी जो है सेकंड सोमवार जो है इस सावन का चल रहा है। और यहाँ पर ये जो है हम लोगों के लिए यहाँ पर ये टेंट और सारे सेवा का जो है व्यवस्था रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल सेवा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इधर आप देख सकते हैं ये भोलेनाथ का प्रसाद है जिसको कि दुर्भंगा हम लोग कहते हैं, तो इधर ये दुर्भंगा का जो है व्यवस्था किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर शरबत का जो है व्यवस्था किया गया है। तो सारे जो है तेतरी युवा संगठन के जो युवा लोग हैं ग्लास में पानी लेकर के कुछ शरबत लेकर के जो है यहाँ पर बोलबम के सेवा में जो है इस प्रकार से जो है खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है बोलबम के गुजरने का जो है इंतजार किया जा रहा है इन बच्चों के द्वारा और सभी लोग जो है
आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये लोग यहाँ पर उनका सेवा कर रहे हो यहाँ पर तुम लोग, तो जो है कैसे यहाँ पर आए हुए? अच्छा, सेवा करने के लिए आए हो। हम लोग का सेवा करने में मन लगता है, बहुत मन लगता है। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? यहीं पर है, तेतरी घर है। अच्छा, जो फल घर है यहाँ पर, ये सारे जो है बच्चे लोग बहुत ही जो है उत्सुकता के साथ जो है यहाँ पर जो लोग की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बाइकर्स बोल उनको जो है किस प्रकार से ये बच्चा लोग जल का जो है सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस सारे बोल लोग जो है भागलपुर की तरफ जो है मोबाइल से बढ़ रहे हैं, और भागलपुर से गंगागर बढ़ने के बाद सारे लोग मधेपुरा की तरफ से निकल रहे हैं और भागलपुर की तरफ जो है ये लोग जा रहे हैं। और इधर देख सकते भारी हुजूम जो है यहाँ से, भारी मात्रा में जो है यहाँ से बम का घटना होता है। सिंहेश्वर बाबा जो है ना, बैजूनाथ बाबा से 6,07,000 वर्ष पहले का सृष्टि है, और बैजू बाबा के बाबा सिंहेश्वर गुरु है। अब इसके नेत्रदर्शी काल भी है, नेत्रदर्शी काल भी है। अब एक कामनाली है, कामनाली बाबा सिंहेश्वर हमारे साथ ये बाबा है, और जो है ये सिंहेश्वर बाबा के जो है सबसे बड़े पुजारी हैं, और हर साल जो है यहाँ पर जीरो माइल में बड़े गोलम के जत्थे को लेकर के यहाँ पर आते हैं। तो ये हमको जो है सिंहेश्वर बाबा के जो है इसे गोलम यात्रा के बारे में बताएंगे। तो बाबा, इसमें जो सिंहेश्वर बाबा का यात्रा होता है यहाँ से जल का, जल लेकर के जो मंदिर लोग जाते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, बताइए। जल ये बाबा के 10 बरस धुआंधार, जबकि हर सोमवारी को 2,25,000 कमरिया जल बाबा पे चढ़ाता है हर एक सोमवारी को, और 350,000 जल खरीदारी करोड़ होता है दूध घी मधु कला से। और अपने क्षेत्रीय की तरफ से, क्षेत्रीय ग्रामवासी की तरफ से बाबा के दूध को डुबाया जाएगा। अगला सोम जल भर के जो है बोलबम सिंहेश्वर स्थान की तरफ किस प्रकार से जा रहे थे, और इनके रास्ते में जो है ये सेवा का व्यवस्था किया गया था। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो फिर जय हिंद, धन्यवाद।